What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. तो finally अभी आज डेट है, डेट तो याद नहीं है, ट्यूजडे है एंड टाइम हो रहा है अभी 6:34 और मैं अभी निकल रहा हूँ घर से. रेडी हो चुका हूँ, गेयरअप होना सिर्फ बाकी है, शूज पहनने बाकी है, बाकी आई एम रेडी टू रोल फ्रॉम अहमदाबाद और बाकी सारी चीज़ें अपने रेडी कर दी है एंड अभी अपने निकलते हैं घर से. और आज का अपना जो डेस्टिनेशन है वो अपना है होम टाउन. आज फाइनली बहुत टाइम बाद में जा रहा हूँ, 1 साल होने को आ गया उसके बाद में जा रहा हूँ, तो फाइनली निकलते हैं जल्दी से, ज़्यादा धूप होने तक नहीं रुकना है. मेरा टारगेट है मैं 11 बजे तक पहुँच जाऊँ, तो फाइनली निकलते हैं अभी एंड फ्यूलिंग भी करवाना है तो फ्यूलिंग भी करवाएंगे और बाकी सारी भी चीज़ें करवाएंगे. तो फटाक से अपना निकलते हैं एंड आप लोगों को डायरेक्टली मिलता हूँ मोटा ब्लॉगिंग सेटअप पे. सो फाइनली अपन घर से निकल चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 6:50 एंड अभी अपने जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे फ्यूलिंग करवाने के लिए, क्योंकि भाई साहब फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है एंड डलवाना ज़रूरी है. मतलब फ्यूल बिल्कुल भी नहीं, रिजर्व में अभी गाड़ी आई है तो मैंने सोचा भाई फ्यूल डलवा के निकलते हैं, क्यों बिन फालतू का बीच में रास्ते में रुकना. तो आ चुका है फ्यूल स्टेशन एंड डलवाते हैं इसमें फ्यूल. भाई साहब सभी अभी खुला नहीं है, यही वाले पे जाना पड़ेगा और तो क्या है. सो फाइनली अपना लास्ट फ्यूल टैंक जो हुआ था उसके बाद सिर्फ चली 167 किलोमीटर, जब निकलना है तो अपना पूरा फ्यूलिंग करवा लेते हैं एंड देखते हैं कि कितना फ्यूल आता है इस बार. फुल टैंक करना नॉर्मल है, जाएगा अभी और ऊपर तक बढ़ना. फ्लो बढ़ाओ थोड़ा. बस 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 बिल निकाल देना. हाँ गूगल पे. हाँ नहीं चलेगा चलेगा. तो पेट्रोल डला है 7.33 लीटर्स एंड देखते हैं एवरेज कितना मिला इस बार अपने को. 167.2 / 7.33, सो 23 का एवरेज अपने को मिला हुआ इस बार जस्ट बिकॉज ऑफ कि अपन ने एग्जॉस्ट डाल के रखा था. एग्जॉस्ट में 22-23 का एवरेज देती है एंड अगर नॉर्मल एग्जॉस्ट होता है तो देखते हैं आज कितना अपने को परफॉर्म करके देगी. इसको कर देते हैं 0, दोनों को कर दिया है 0 एंड अभी अपना निकलेंगे इधर से. सो फ्यूलिंग करवा लिया एंड अभी अपन निकल रहे हैं अपने होम टाउन के लिए. बाइक अभी परफॉर्म अच्छा कर रही है, बाइक में कोई दिक्कत नहीं आ रही है और अभी अपने निकलेंगे एंड भाई साहब जो मज़ा आ रहा है बाइक चलाने का, 60-70 पे जो क्रूज़ करने का मज़ा है वो तो भाई साहब अलग ही मज़ा है. और यस आज का कुछ व्लॉग अपना ऐसा ही रहने वाला है एंड आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आए. काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन, तो इट इज़ अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी, क्योंकि ऑलमोस्ट 8-9 महीने हो गए कि मैं गया नहीं हूँ. तो यस फाइनली आज अपने जा रहे हैं अपने होम टाउन. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. So, अभी का ये सीन है कि अपने पहुंचे हैं हाफवे
एंड हाफ वे भी नहीं बोल सकते, अभी तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर कवर करना बाकी। ऑलमोस्ट अपन ने 60-70 किलोमीटर्स कवर किए हैं, 60 किलोमीटर आई होप सो हम लोगों ने कवर कर लिए है, एंड एग्जैक्टली याद नहीं है, बट यस आगे आया है बोर्ड एंड इट इज शोइंग 168 किलोमीटर्स। सो यहाँ से जो अमरेली है वो 168 किलोमीटर शो कर रहा है, बट मुझे जाना है उससे भी 30 किलोमीटर आगे, मतलब 200 किलोमीटर मोटा मोटा गिन लो। और अभी टाइम हुआ है, एक घंटा ही हुआ है अभी अहमदाबाद से निकले हुए, तो आई एम गेटिंग अ गुड स्पीड एट ऑल राइट नाउ। सो यस अभी का तो अपडेट यही है, एंड भाई साहब बिल्कुल भी धूप नहीं लग रही है, माइल्ड वेदर है, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। सो अभी यहाँ से धंधुका बचा है ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स अवे, एंड धंधुका पहुँचने के बाद मैं सोच रहा हूँ पहला ब्रेक लूँगा, क्योंकि मेरा हर बार फर्स्ट ब्रेक वहीं का होता है, एंड हर बार मेरे को मज़ा भी आता है धंधुका ब्रेक लेने का, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। एंड यहाँ पे आ चुका है फ्रेदरा गैलॉप्स। सो कभी कभी हम लोग यहाँ पे भी पहले राइड में आया करते थे, बट रिसेंट टाइम में हम लोगों ने आना बंद कर दिया है। जब मैं 2018-19 में था तभी मैं यहाँ पे आता था, और उसके बाद तो मैं कभी आया नहीं हूँ, मोस्टली आनंद गैलॉप्स पे ही गए हम लोग। और अभी का तो सीन ये है कि अभी थोड़ी सी धूप लग रही है, ज़्यादा धूप मतलब वैसे तो नहीं लग रही, बट थोड़ी सी धूप लग रही है क्योंकि हेलमेट और जैकेट की वजह से, बाकी जो विंड ब्लास्ट आ रहा है उसकी वजह से पसीना नहीं हो रहा है, बट यस थोड़ी सी चुभन हो रही है धूप से। बाकी का ओवरऑल भाई साहब अपना एक्सपीरियंस तो अच्छा जा रहा है, बाइक भी अपना अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है, जो झटके मार रही थी वैसा तो झटका नहीं मार रही है, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इज़ गुड। सो काफ़ी इंतज़ार के बाद अपन पहुंच चुके हैं धंधुका। भाई साहब अभी मेरे को लगता नहीं कि मेरे को ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ एक घंटे की बात कर रहा हूँ जब मैं फैदरा से निकला, उसके बाद मैंने तब आपको बोला था धूप चुभ रही है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद धूप मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगी है, ना तो मेरे को गर्मी हुई है ना तो कुछ भी, और फ्यूल कंजप्शन भी अभी तक अपना अच्छा हुआ है, मैंने एवरेज स्पीड मेंटेन की हुआ है लाइक 65 to 75 के बीच में, एंड इट इज़ अ वेरी गुड एवरेज स्पीड फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि भाई साहब मैंने जिस हिसाब से सोचा था उसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को और मज़ा आ रहा है चलाने में। और ये आ गया ट्रक बीच में फ्यूल वाला, भाई साहब ये फ्यूल वाले ट्रक आते हैं ना मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि भाई साहब ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करते ही करते रहते हैं, बट चलो कोई बात नहीं। और ये मेरा सबसे फेवरेट प्लेस है, और लास्ट टाइम मैं जब यहाँ से निकला था ना, तब की मैं बात करूँ ना भाई साहब, तब भी यहाँ पे मेरे को एक बंदा ठोकते ठोकते रह गया था और मैं बच गया था, एंड इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अपने आराम से जा रहे हैं। एंड ओ भाई साहब ये क्या, इतनी छोटी ऑटो रिक्शा में इतना ज़्यादा आवाज़, सारे चीज़ें भर के जा रहे हैं, भाई साहब क्या ही बात है, इन लोगों को तो हैट्स ऑफ है भाई साहब, 250 cc की गाड़ी में ओ हो आगे तो फाटक बंद है भाई साहब, अपने को रुकना पड़ेगा इधर। मैंने सोचा नहीं था मैं धंधु का ब्रेक लूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पे 10 मिनट रुकना ही पड़ेगा जब तक यहाँ पे ट्रेन नहीं आ जाती। सो फाइनली अभी ट्रेन भी आ चुकी है, एंड अभी मैं पिछले 10-15 मिनट से इधर ही खड़ा था, थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक भी मुझे मिल गया, बट ये ब्रेक नेसेसरी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि भाई साहब 100 किलोमीटर ही हुए हैं, एंड मेरे हिसाब से अगर 150 किलोमीटर तक हम लोग 150 किलोमीटर से पहले ब्रेक लेते तो भाई साहब कुछ मतलब का नहीं रहता है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरी कुछ डेस्टिनेशन है लाइक 300 किलोमीटर, तो मुझे हाफ वे जाके ही एक ब्रेक लेना चाहिए, नॉट लेस देन दैट और नॉट मोर देन दैट। मैं अपने आपको बिन फालतू का पूछ नहीं कर सकता, मेरी लिमिट ऐसी है कि मैं वन शॉट में पहुंच भी सकता हूं, बट ब्रेक लेना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि पानी वानी पीना होता है, वॉशरूम जाना होता है तो उसके लिए, बाकी अगर हम लोग लॉन्ग राइड कर रहे हो तो भाई साहब ये कुछ चीज़ें देखने की नहीं होती है, उसमें तो भाई साहब हम लोग मिनिमम 200-250 किलोमीटर के बाद ही रुकना होता है। और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो गए लेफ्ट साइड, मतलब जिन लोगों को राइट में रुकना तो वो भी लेफ्ट साइड में आ चुके, और वो सब एक साथ खिचड़ी हो गई है, बट चलो कोई नहीं, इधर से निकलते हैं फिर आपको मिलता हूँ। Everything that you did, that you said, I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid.
सो फाइनली अभी फर्स्ट ब्रेक लिया है अपन ने आफ्टर 168 किलोमीटर्स। ज़्यादा टाइम तक मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला हूँ, मैं सिर्फ वॉशरूम जा रहा हूँ, थोड़ी देर रिलैक्स होऊंगा और निकल जाएंगे। और साथ में मुझे करना है यूट्यूब के लिए टाइटल थंबनेल सेट करना है, तो वो भी करेंगे और फिर निकलेंगे अपने यहाँ से। बाकी तो बस फ्रेश होता हूँ और आप लोगों को उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो फाइनली अपन हो गए फ्रेश, हाथ मुँह धो लिया एंड बाइक को थोड़ा सा ठंडा भी होने दिया। कब से चल रही थी, पिछले 2.5 घंटा हो गया, वैसे तो 3 घंटा ही गिन लो अभी, क्योंकि सुबह 7 बजे निकला था एंड इट्स ऑलमोस्ट 10। तो परफॉर्मेंस अभी बहुत ही बढ़िया मिल रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही है एंड यहाँ पे सिर्फ धूल मिट्टी आ गई भाई साहब, यही बोले। चलो तो अभी इसको लेते हैं एंड निकलते हैं अपने। सो फाइनली अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से, तो अपना टोटल ब्रेक हो चुका है 30 मिनट्स का, 15 मिनट्स का ब्रेक अपना हुआ दंदुका में एंड 15 मिनट्स का ब्रेक अपना हुआ यहाँ पे। सो ओवरऑल 30 मिनट्स के ब्रेक में भाई साहब अपना फ्रेशन अप तो हो ही गया है, अभी अपने को ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं। अभी अपना सिर्फ 100 किलोमीटर्स बचा हुआ, इससे ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, 270 किलोमीटर्स इन टोटल होता है एंड 170 किलोमीटर्स अपन ने यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी का सीन यह है गाइज कि बाइक अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्यूल कंजप्शन भी मैंने जिस हिसाब से सोचा था उससे काफ़ी बेटर हो रहा है। मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ कि बाइक में एग्जॉस्ट लगा था एंड सारी चीज़ें थी, बट ओवरऑल अभी मैं बात करूँ, मैं स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ 67 किलोमीटर पर आवर की, दैट इज़ द आइडियल स्पीड ऑफ माइंड राइट नाउ। कुछ अच्छी जगह आ रही है तो मैं उसमें स्ट्रेच कर रहा हूँ 75-80 की, और कुछ जगह ख़राब आ रही है तो उसमें मैं कर रहा हूँ 65-70 बीच में। उससे ज़्यादा नहीं चला रहा हूँ मैं एंड उससे ज़्यादा चलाना भी नहीं चाहिए। उसका रीज़न है कि भाई साहब बाइक भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी एंड मैं भी कंटाल जाऊँगा चला चला के। तो अभी मैं रुका था एक छोटा सा फ़ोटोशूट करने के लिए अपनी बगीरा के साथ एंड टिल टाइम अभी भी कोई दिक्कत नहीं है ये अपने को एंड इट्स टाइम 10 एंड अभी अपना निकल रहा है, मोर 100 किलोमीटर्स टू गो फ्रॉम हियर। सो गाइज आई डोंट थिंक सो कि मैं इसके बाद कुछ व्लॉग कर पाऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ भाई साहब मैं इतना एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप की चुभन लग रही है मेरे को एंड पसीना हो रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे को जो पसीना हो रहा है वो फोरहेड पे हो रहा है। हाँ जी, तो फाइनली गाइज अभी अपने पहुँच चुके हैं अमरेली एंड अमरेली से निकल के मेरे को 10 से 12 किलोमीटर हो भी गए हैं। तो अभी का सीन ये है कि अभी अपने जाएंगे डायरेक्टली घर पे, आराम वाराम करेंगे एंड इसके बाद का जो भी व्लॉग रहेगा वो अपना मिनी व्लॉग में आएगा, ना कि इस व्लॉग में, क्योंकि अपने 2 व्लॉग्स कर रहे हैं तो दोनों व्लॉग्स को मेंटेन करना तो बनता ही बनता है। और आज का जो ये व्लॉग है वो अपने यहीं तक रखते हैं। आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आए तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को टोटल पता ही करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी आप सब लोगों को मिलूंगा मैं एक ऐसे ही किसी नए व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, राइड सेफ, स्टे फिट, सी एवरीवन इन द नेक्स्ट व्लॉग, साइनिंग ऑफ दिशांत। और अभी ये वाली जो आप क्लिप सुन रहे हो गाइज ये है आफ्टर द राइड। सो मैं टोटल आप लोगों को बता देता हूँ कि टोटल कवर किया मैंने 272 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद। एवरेज स्पीड जो मेरी रही है दैट इज 65-70 मिड एंड मेरे को एवरेज जो बाइक ने दिए दैट इज 34 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ अ वेरी गुड एवरेज फ्रॉम ड्यूक 250 विच राइट नाउ आई एम गेटिंग जस्ट बिकॉज ऑफ आफ्टर एग्जॉस्ट चेंज एंड एवरीथिंग इट इज़ आइडियल एवरेज विच आई कुड गेट फ्रॉम माई बाइक एंड दैट्स वाई आई वॉज राइडिंग वेरी पीसफुली फ्रॉम दिस मशीन। एंड बाकी का जो अपना व्लॉग रहेगा वो मैं आप लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन सी यू एवरी वन।